अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे हम आबादी में इजाफा। बच्चों, आबादी में इजाफे की वजह से माहौल पर किस तरह असर पड़ता है, इस बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, गुज़िश्ता 60 सालों में हमारे मुल्क की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है और यह आबादी मुसलसल बढ़ती ही जा रही है, जिसके वजह से माहौल पर मुज़ीर असरार हो रहे हैं। बच्चों, देहात के लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। देहात में रोजगार की कमी की वजह से देहात के लोग रोजगार की वजह से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों की आबादी गुंजान हो रही है। शहरों की आबादी बढ़ने की वजह से शहरों में रहने की जगह, पानी और बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। बच्चों, शहरों में देहात के लोग आने की वजह से वहां पर शहर के लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, रहने के लिए घर की किल्लत है, जिसकी वजह से वहां पर शहरों के आसपास जो खेत थे, जो खुली जगह थी, वहां पर बड़ी नई नई बस्तियां बस गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। नई बस्तियां और नए रास्ते बनाने के लिए बहुत सारे दरख्त तोड़े जा रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ने की वजह से वहां पर बहुत बड़ी बड़ी आबादियां हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को अपने काम के लिए जाने के लिए बहुत लंबा फासला तय करना होता है, जिसके लिए शहरों के लोग सवारियां खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सवारियां होने की वजह से सवारियों से निकलने वाला धुआं हवा में शामिल हो रहा है और हवा आलूदा हो रही है। बच्चों, हवा की आलूदगी की वजह से शहरों के लोगों में सांस की बीमारियों का तनासुब बढ़ रहा है। दमा और फेफड़ों से होने वाली बीमारियां बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। बच्चों, पहले बड़े बड़े दरख्त होने की वजह से वहां पर परिंदे घोंसले बनाकर रहते थे, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से उन दरख्तों का खात्मा हो रहा है, दरख्तों को तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से परिंदों को घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं है। साथ ही साथ परिंदों को ना काफी मिकदार में पानी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ परिंदों को हवा में धुआं की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से शहरों से परिंदे गायब हो रहे हैं। उसके अलावा तितलियां और दिगर कीड़े मकोड़ों की तादाद भी शहरों से कम हो रही है। बच्चों, आबादी में इजाफे की वजह से पानी की आलूदगी का मसला भी पेश आता है। पानी की निकासी का इंतजाम मुतासिर होने की वजह से शहरों में बहुत सी जगह पानी जमा होता है, जिसमें बहुत सारे मच्छर नशोनुमा पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह बीमारियां फैल रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखा बच्चों आपने, आबादी में इजाफे की वजह से किस तरह से माहौल मुतासिर हो रहा है और माहौल को हम खतरे में डाल रहे हैं।